हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, कक्षा 10वीं के जो विज्ञान विषय के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहां लेके आया हूं, जो कि आपकी 2021-22 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे के पूरे प्रश्न उत्तर मैंने परीक्षा दिन 2022 से लिए हुए हैं, तो देख लेते हैं आप सभी लोग अध्याय वाइज पूरे जमे हुए हैं। देखिए, पहला है अपघटन वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ लीजिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ लीजिए, और छठवां है जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है वो क्या, पूरा लिखा है इनके उत्तर। फिर इसके बाद देख लें 12वां प्रश्न जो यहाँ पे है, अवक्षेपण अभिक्रिया, इसको आपको बताना है। इसके नीचे लिखा है जो 13वां प्रश्न, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं, ये भी अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर यहाँ पे आप देख लें, ये उपचयन और अपचयन दोनों परिभाषाएं तैयार कर लेनी है आपको, उदाहरण के साथ में, रिस्क नहीं लेना है कुछ भी, ये पूरा तैयार कर लीजिए। अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। इसके बाद देख लें अगला प्रश्न, संचारण क्या है, विकृति गंधता क्या है, ये कर लीजिए। फिर उसी के नीचे जो दिया है प्रश्न तीसरा, ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, इनको भी तैयार कर लीजिए, ये भी अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे देखें आप लोग प्रश्न क्रमांक 7वां अच्छे से कर लीजिएगा, 8वां कर लीजिएगा, 9वां प्रश्न कर लीजिएगा, 7वां 8वां 9वां तीनों इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ में जो अथवा में जो चल रहे हैं इनको भी आप देख लीजिएगा, मगर आप यहाँ पर 7वां 8वां 9वां जरूर तैयार कर लीजिएगा। बात करते हैं यहाँ प्रश्न क्रमांक 30वां देख लीजिए, धावन सोडा और बेकिंग सोडा के उपयोग बताने हैं। फिर 31वां प्रश्न है बेकिंग सोडा का सूत्र, तो वो भी तैयार कर लीजिएगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं यहाँ पे 9वां प्रश्न, तो 9वां और 10वां दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखना है, फिर विरंजक चूर्ण का नाम लिखना है और इसके उपयोग लिख देने हैं, तो ये आपके लिए देख लें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 14वां, लोहे को जंग से बचाने के तरीके, मतलब कि धातु संचारण के तरीके, ये वाला प्रश्न अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मगर इसके साथ में जो जो और भी प्रश्न आ रहे हैं उनको भी देख लीजिएगा। यहाँ पे आप प्रश्न क्रमांक 2वां सक्रियता श्रेणी, 3रा यशद लेपन, 4था अमलगम, फिर इसके बाद 5वां 6वां और 7वां, ये जितने प्रश्न हैं सारे के सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। छोटे छोटे प्रश्न हैं, एक एक नंबर के में आ सकते हैं ये। फिर यहाँ पे देखें आप, 3रा प्रश्न है जो धातु अधातु में अंतर, तो देखें बच्चों धातु अधातु में अंतर दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो प्रश्न आ सकता है धातुओं के रासायनिक गुणों में अंतर बतलाइए, या तो आ सकता है भौतिक गुणों में। तो देखें रासायनिक गुण ये हैं और ये हैं बच्चों भौतिक गुण, तो इनको भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। धातु अधातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण अपने आप में ये पूरे हो गए यहाँ पे, ठीक है, इनको बहुत अच्छे से बच्चों तैयार कर लेना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। फिर यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक ये दिख रहा है आपको, पहला वाला पॉइंट, सोडियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बतलानी है, ये जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। चित्र है, बहुत आसान है, इजी वे में है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक पहला जो है सहसंयोजी आबंध की परिभाषा, ये तैयार कर लीजिएगा। दूसरा है हाइड्रोकार्बन और तीसरा है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चौथा प्रश्न भी तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14वां देख लें, अपर रूप का क्या है, और फिर 15वां कार्बन के दो अपर रूपों के नाम। छोटे छोटे प्रश्न हैं, आसानी से याद हो जाएंगे आप लोगों को। फिर इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा, यहाँ पर जो है साबुन एवं अपमार्जक में कोई दो अंतर आ सकते हैं, तो ये अंतर जो है इनको भी आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं आप लोगों को यहाँ दे रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है बेटा यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 7वां, स्वयं पोषी एवं विषम पोषी अंतर में पोषण में अंतर बताना है, ठीक है। फिर 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख लें जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न क्रमांक 16वां 17वां 18वां और सबसे इम्पॉर्टेंट 19वां प्रश्न, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, ये पूरा लिखा हुआ है आपके सामने, इसको देख लें आप। फिर इसके बाद यहाँ 20वां प्रश्न, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, ये देख लीजिएगा आप। फिर इसके बाद यहाँ पर 23वां प्रश्न जो दिया हुआ है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं, ये देख लीजिएगा। फिर ये चित्र देख लीजिएगा, मनुष्य में आहार नाल का चित्र पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पे मनुष्य के श्वसन तंत्र का चित्र पूछा जा सकता है, मानव हृदय भी है मगर उसकी तो एक चांस नहीं है कोई, धमनी सिरा में अंतर, ये तो अपने आप में बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ये भी तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद इसी के जैसा एक और प्रश्न आता है अंतर के तौर पर, ऑक्सी एवं अनऑक्सी श्वसन, मगर इसका नाम याद रखिएगा, ये कभी कभी वायवी और अवायवी श्वसन के रूप में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखें अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का पूरा वर्णन करना है, तो ये पूरी क्रियाविधि लिखी हुई है और नीचे बच्चों ये रासायनिक समीकरण जो दिख रहा है ये भी पूरा लिखना पड़ेगा आपको इसमें। फिर यहाँ पे
ये देखिए पूरा है नेफ्रॉन की संरचना एवं क्रियाविधि आपको बतलानी है। तो ये चित्र बना देना है आपको और इसकी संरचना दे देनी है। मैं फिर से कहूँगा ये पूरा परीक्षा अध्ययन से लिया गया है, तो आप परीक्षा अध्ययन हैं अगर तो आप उसमें निशान लगा सकते हैं अपना। यहाँ बच्चों पाँचवा, छठवा, सातवा और इसके बाद दसवां प्रश्न, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इनको कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाने के लिए, और उसी के नीचे देखें न्यूरॉन के कार्य, मतलब कि तंत्रिका कोशिका के कार्य, तो ये तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ प्रतिवर्ती चाप का चित्र, ये भी आ सकता है, और इसी का आ सकता है सचित्र वर्णन करने के लिए, तो चित्र बनाने के साथ वर्णन भी करना पड़ेगा, वो नीचे लिखा हुआ है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें जो छठवां प्रश्न है और सातवां प्रश्न और आठवां प्रश्न, ये तीनों प्रश्न अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ इनके साथ भी जो प्रश्न चल रहे हैं उनको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे बच्चों आप देख लें ग्यारहवा और बारहवा प्रश्न, ग्यारहवा, बारहवा और तेरहवा, तीनों प्रश्न स्वपरागण, परपरागण और परागण। फिर यहाँ पे ये चित्र आ सकता है अमीबा में द्विखंडन विधि का चित्र, फिर हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया कैसे होती है ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखें स्वपरागण और परपरागण में अंतर, चौथा देख लें उसी के नीचे लिखा। फिर यहाँ पे देखें पाँचवा और छठवा दोनों तैयार कर लेना है बच्चों। यहाँ पे फिर अनुवांशिकता क्या है, अनुवांशिकी से क्या समझते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख लें दसवां प्रश्न कर लें, बारहवां प्रश्न कर लें, तेरहवां प्रश्न कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे चौदहवा पंद्रहवा भी देखना है, चौदहवा जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें। फिर दूसरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये लास्ट ईयर पूछा भी गया है, हालांकि लास्ट ईयर पूछा गया है तो इस साल चांस कम है, मगर फिर भी इम्पॉर्टेंट है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक तीसरा और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और पांचवा जरूर कर लीजिएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा तीनों इम्पॉर्टेंट है, लेंस की क्षमता वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पाँचवा प्रश्न। फिर यहाँ पे देखें ये दसवां प्रश्न यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, मगर इसके साथ नौवां वाला जो एक प्रश्न भी आ सकता है, इसको भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अगर डाउट है आपको तो बच्चों 8400400400, जी हाँ, इस व्हाट्सएप नंबर पर अब आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन सीधे आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन पर डाउट नेट का 8400400400 नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, फिर जो भी आपका डाउट है उस क्वेश्चन की फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में पाइए अपने डाउट का सॉल्यूशन। क्लास 6 टू 12th आईआईटी, जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो देख लें यहाँ पे फिर अगला प्रश्न है ये दर्पण के उपयोग, उत्तल, अवतल और समतल। तो सबसे ऊपर बच्चों जो अवतल दर्पण है उसके उपयोग लिखे हैं तीन ये, ठीक है। फिर उत्तल और फिर समतल, तीनों तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो है वो है ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके नियम, और नीचे देखें आप अपवर्तन क्या है, इसके नियम। तो देखें दोनों प्रश्न आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, प्रकाश का परावर्तन का नियम और इसका जो सूत्र है उसकी फोकस दूरी वाला, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। फिर दृष्टि दोष के बारे में आया प्रश्न, दृष्टि दोष क्या होते, तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि और जरा दृष्टि दोष, तीनों प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को बहुत अच्छे से देख लेने हैं। फिर बारहवा प्रश्न है और तेरहवा प्रश्न, ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, और चौदहवा भी देख लीजिएगा, तीनों प्रश्न अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, तीनों को तैयार कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक सातवा, आठवा और नौवा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीनों, सातवा, आठवा, नौवा, तीनों देख लीजिएगा। इसके बाद जो अपना नेत्र वाला चित्र है, मानव नेत्र का चित्र, ये तैयार कर लीजिएगा। इसी के नीचे जो प्रश्न दिया हुआ है ये भी अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हालांकि इसमें सचित्र वर्णन करने नहीं पूछते, मगर केवल ये प्रश्न पूछ लेते तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आप इसका उत्तर लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखें ये है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का चित्र है, प्रश्न नहीं लिखा है यहाँ पे, केवल उत्तर दे दिया है, ये सबसे ऊपर जो दिया है इसको आप देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा चित्र के साथ में। फिर बारी आती है निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण और निवारण के उपाय पूरे आपको चित्र के साथ बताने हैं, तो इस प्रश्न को भी आप देख लीजिएगा, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फिर इसके बाद ये सही जोड़ियाँ, ये विद्युत वाले चैप्टर में सही जोड़ियाँ नॉर्मली पूछ ली जाती हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये सामने सामने उत्तर पूरे लिखे हुए हैं आपके नीचे साइड, उसको आप देख लें। फिर ये रिक्त स्थान भी पूछ सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते, तो 746 वाट होता है, ठीक है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा का एम्पियर है, ये सारे के सारे आप देख लें यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप देखें इसमें जो है प्रश्न क्रमांक, आप लोग प्रश्न दूसरा कर लीजिएगा, तीसरा कर लीजिएगा और चौथा तैयार कर लीजिएगा। पाँचवा है ओम का नियम, जो भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा।
ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है बच्चों, यहाँ पे देखें विभवांतर, ये वाला प्रश्न कर लीजिएगा। ये देखिए पांचवा प्रश्न, ओम का नियम पूरा का पूरा तैयार करना है। और इसके अलावा छठवां प्रश्न, पांचवा और छठवां दोनों आप देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे अति लघु त्रि में आप देख लें चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न, अपशिष्ट किसे कहते हैं और पारिस्थिति क्या है, ये दोनों तैयार कर लीजिएगा। पहला प्रश्न जो पर्यावरण है उसको भी आप देख सकते हैं, पर्यावरण की परिभाषा तो आपसे बनती होगी। बात करते हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक आपका सातवां आठवां दोनों तैयार कर लीजिएगा। और नौवां प्रश्न में वर्गीकरण किया गया है तो ये भी आप देख लीजिएगा। बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फिर यहाँ पे बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 16, 17, 18 और 19वां, चारों प्रश्न अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत क्या है, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, ये पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। दो नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा इसमें से आपका। फिर यहाँ देखें ग्रीन हाउस प्रभाव की परिभाषा, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा और अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, ये तीनों प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे से देख लेने हैं बच्चों, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम देते हैं आपको सही और सटीक जानकारी। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, गुड बाय।